Are you ready for the party tonight? Yes! You all are... Arre, Jay! You are coming, right? Look, we have full arrangement. There is DJ, hai, dance, hai, fun, hai, full night party. Hai. Yes! So are you coming tonight? बेकार में कितने पैसे वेस्ट करोगे? इतने पैसों में तो किसी जरूरतमंद स्टूडेंट की फीस भर सकते हैं। So boring यार। चलो व्हील पार्टी। Congratulations, Jay. Thank you, ma'am. Congratulations, Jaya. Thank you. अरे आप दोनों ने भी final year में अपने-अपने courses में top किया? Thank you, ma'am. But all the credit goes to Jaya. मुझे? हाँ. अगर तुम मेरी last semester की fees नहीं भरती, मैं exam कैसे देता? और अगर तुम मुझे रात-रात पर जगाकर तैयारी नहीं करवाते, तो मैं कभी top नहीं कर पाती. टॉप तो क्या, मैं पास ही नहीं होती. तुमने भी मेरे लिए कुछ कम नहीं किया. तुमने भी टाइम टाइम पे मुझे फोन करके जगाया पढ़ाई करने के लिए. मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि ये अवार्ड मेरा कम, तुम्हारा ज्यादा है. और मुझे लगता है कि अवार्ड मेरा है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा है. What are they saying? What language is this? I don't understand. Professor William, this is called the language of love. Deepak, आज तो प्रोफेसर ने मुझे बोल ही दिया. It's the language of love. वाह वाह मेरे भाई वाह, आज तूने साबित कर दिया कि तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. क्या मतलब? मतलब ये कि प्रोफेसर के बोलने से कुछ नहीं होता. जया ने अलग भी बोला क्या? आज तक कभी किसी ने तुझसे कहा कि तेरी शक्ल बड़ी भद्दी है? नहीं कहा. लेकिन हम सच्चाई तो जानते. वैसे मैं भी जानता हूँ कि मुझे बहुत चाहती है और तू मुंबई से यहाँ पर मेरे कॉन्वोकेशन के लिए आया कि मेरे कॉन्फिडेंस को हिलाने आया. यार मैं मिला हूँ ना उससे, मैं जानता हूँ. बड़े प्यार से बात. अरे लड़कियां प्यार से बात करके ही तो कंफ्यूज करती हैं. यार कैसे समझाऊं यार तुझे दीपक, वो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. बड़ी ये अलग अंदाज से दिखती है. बेटा मुझे भी एक लड़की ने बड़े अलग अंदाज से देखा था. वो तो बाद में पता चला कि उसको 2 फीट का कुछ दिखता ही नहीं है. और वैसे भी तुझ पे ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि मुस्कुराना तो हर एक लड़की की अदा है, उसे जो प्यार समझ बैठे वो सबसे बड़ा गधा है. उसने आई लव यू बोला क्या? नहीं ना. बस खाना लेकर आती है मेरे लिए रोज. अरे वो तो भिखारियों के लिए भी खाना लेके आती है. तो कल को भिखारी मुझसे बोलेंगे, अरे दीपक भाई वो जया मेरे लिए खाना लेके आती है तो मुझसे प्यार कर. तो मैं मान लूंगा क्या? अरे आई लव यू बोला क्या उसने? नहीं ना. बस फीस भरती है मेरे लिए. अरे चैरिटी, तुम्हारे ऐसे 4-5 गरीबों की और वो फीस भरती है. आई लव यू बोला क्या? एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, लड़कियों को भगवान तो क्या. रजनीकांत नहीं समझ पाए तो हम और तू किस खेत की मूली है. अब तक मुझे लग रहा था मुझसे प्यार करती है, अब लग रहा है कि नहीं नहीं, ये कोई तो तरीका होगा ना जानने का कि मुझे चाहती है या नहीं चाहती. जय, तो जिस महान इंसान के बगल में खड़ा है ना, उसका नाम है दीपक तिजोरी. और दीपक तिजोरी के दिमाग में एक अच्छा आइडिया है. क्या? सोच के बताता हूँ. सोचने दे, सोचने दे. अभी तो तूने बोला कि तुम सोच रही. अरे सोचने दे पूरी बात.
best. Waiter, ek garma garam coffee girao. Garma garam coffee leke aao. क्या है इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? अभी ओवर एक्टिंग नहीं है बे, तूने गरम कॉफी गिरा दी। अबे मैं ठंडे पे भी चिल्लाने ही वाला था। डट 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 डाटूंगा, जरूर डाटूंगा, इतना डाटूंगा कि तेरा कान फट जाएगा। अरे सुनाई नहीं दे रहा उसको। तो मैं क्या करूँ? सुना ओके सुनाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड, इधर बात नहीं बनेगी, उधर चलना पड़ेगा। चल, तुमने मेरा इतना महंगा कमीज खराब कर दिया, ऐसा तुमने किया क्यों? बदतमीज कहेंगे ये कोई तमीज है, टी शर्ट खराब कर दी तुमने मेरी। जैक क्या हुआ? कुछ नहीं, कोल्ड कॉफी नहीं थी तो हॉट कॉफी गिरानी पड़ी। क्या मतलब, थोड़ी सी कॉफी क्या गिर गई, देखो मुझे कितना डांट रहे। मैंने 10 बार सॉरी कहा, ये भी काम मेरी गलती है, मुझे माफ करो। गलती? इतनी बड़ी गलती जो तुमने इधर कॉफी गिरा के किया, उसका क्या? बेवकूफ कहीं का। और आप इसकी तरफ दारी क्यों कर रही हैं? आप इसका हैकर क्यों सपोर्ट कर रही हैं इसका, बताइए। एक इंसान होने के नाते बाकी सभी तो इधर इंसान है, वो सब क्यों नहीं आया, आप ही क्यों आई? आप इसका है कौन? देखिए आप अपनी जबान पे लगाम दीजिए। जबान को लगाम दू? लगाम तो ये देगा, अब ही दोगुना। आज देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो भी दो टके के इस वेटर के लिए। आखिर आप इसका लगता कौन है? ये मेरा दोस्त है। ए, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होता, सलमान खान ने कहा है। आखिर तुम इसका लगता कौन है जो कब से इसकी तरफ दावत किया जा रहा है? कौन है तुम? तुम इसे प्यार करता है, तुम इसे मोहब्बत करता है, तुम इसका मोहब्बत है, तुम प्यार है। हाँ हाँ, मैं इसे प्यार करती हूँ। जया, अरे रुको सुनो, जया, जया, अरे मेरी बात सुनो, जया, रुको। I'm sorry. इतनी सी बात जानने के लिए इतना सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम डायरेक्टली नहीं पूछ सकते क्या? बोल देता और तुम मना कर देती तो? मुझे डर लग रहा था ना हमारी दोस्ती टूट जाती। हर चीज बोलना जरूरी है क्या? तुम कभी समझे नहीं? कैसे समझता? ऐसे पैबंद लगाने वाला लड़का वो भी तुम्हें पसंद आएगा, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था। जय, तुम गरीब हो तो तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी? तुम क्लास में फर्स्ट आते हो, क्लासेस के पहले न्यूज़पेपर्स बेचते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो और अपनी स्कॉलरशिप से फीस भरते आए। और हाँ, थोड़े बहुत क्यूट भी दिखते हो। और सुनो, ये पैबंद नहीं, तुम्हारा प्राइड है। दुनिया तो दिखावे की है जय, लेकिन तुम सच्चे हो। दुनिया जो छुपाती है ना, तुम वो गर्व से पहनते हो। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बता देती,
मैं तुम्हें पसंद जरूर करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ मेरे बाबा लेंगे। ओहो, मैं तो भूल ही गया, पापा भी तो होते हैं लड़कियों के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा कैसे भी क्यों ना हो, वो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्या ना कि वो जानते नहीं कि मैं क्या चीज। अच्छा, ज्यादा उड़ो मत, तुम्हें भी नहीं पता मेरे बाबा ललित राव लोखंडे के बारे में। तो बताओ। अच्छा तो बता दो। अच्छा वो, अरे सुनो जया, सुनो जया, बताओ ना अपने बाबा ललित राव लोखंडे के बारे में। रुको जया, जया ललित राव लोखंडे जी के लोखंडे आयुर्वेद आश्रम द्वारा आयोजित रोग निवारण शिविर की शुभारंभ आरती शुरू होने जा रही है। बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा लग सकता है। आपको हाथ कितने हैं? जी भगवान ने आपको हाथ कितने दिए? जी दो। पैर? दो। किडनी, फेफड़े, सब कुछ दो है, तो फिर रोटी दो क्यों नहीं? दो दादा, दो नहीं तीन रोटियां हैं। वही तीसरी रोटी मेरे पास दे दो। आदमी जब ज्यादा रोटी खाता है तो दुनिया के किसी कोने में एक गरीब की एक रोटी छीन ली जाती है, इसलिए आदमी को जरूरत है सिर्फ दो रोटियों की। ज्यादा रोटी खाने से इंसान की सेहत और रोटी दोनों खराब हो जाती है। जो आदमी दो जोड़ी कपड़े और दो वक्त की दो रोटी पे खुश है वो इंसान है, क्योंकि बहुतों के पास इतना भी नहीं है। जरूरत बढ़ते ही जरूरत पे काबू रखना, ये इंसान की जरूरत है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा की क्या जरूरत है। लेकिन ये बात अमीर लोग नहीं समझते, उनके दिमाग में ये घुसती नहीं। इस दुनिया में गरीबी है ही इसलिए क्योंकि ये कमबख्त अमीर अपनी तिजोरियों को भरने में लगे हुए। अगर इन अमीरों के धन दौलत को इकट्ठा करके सब में बराबर बांट दिया जाए तो हर इंसान के पास रोटी, कपड़ा और मकान होगा, हर इंसान खुश होगा। इस धरती पर अभिशाप गरीबी नहीं है, अभिशाप है ये अमीर लोग। इसलिए मुझे अमीरी से और अमीर लोगों से सख्त नफरत है, घोर नफरत, घोर नफरत, घोर। सर, जापान के किजुशी टेक्सटाइल्स वाले कह रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स अब हमें पुराने दामों पर नहीं बेचेंगे। प्रसाद, बोले जाकर कहो कि पिछले हफ्ते मेरे पैर का फ्रैक्चर हुआ था, मेरे दिमाग का नहीं। और उनसे ये भी कहना कि टेक्सटाइल बनाने वाले लेटेस्ट मशीन्स हम इंडिया में बना रहे हैं, अब हमें उनसे नहीं बल्कि उन्हें हमसे हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, इसलिए कोट्स नहीं बदलेंगे। राइट? ओके सर। यस मिस पूजा। सर कोट्स? मैंने कहा ना कोट्स वही रहेंगे। सर कोट्स। दिस इज ओके।
सुन के। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। जया भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उसे करता हूँ। क्या तुमने लड़का पसंद कर लिया मुझे पूछे बिना? गुड मॉर्निंग वालिया। हाउ आर यू सर? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सर, एमके टायर्स के सीईओ के साथ आपकी आज 12 बजे मीटिंग है, उसके बाद में रशियन इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे बताओ, मेरे बेटे जैन ने फोन किया था? अनफॉर्चुनेटली नो सर। ये ना मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दिलवाकर ही रहेगा। सर नो प्रॉब्लम, जैसे हमारे होटल्स और टाउनशिप है वैसे हमारे हॉस्पिटल्स भी है, तो आपका जो हार्ट अटैक होगा उसका इलाज वहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। I was just joking. Joking, sir. I'm serious. Please connect Jay immediately. At once, sir. तुम्हारे बाबा जब मेरे पिताजी से मिलेंगे ना, तुम देखना बड़ा मजा आएगा। इसका फोन आया। अरे पिताजी का नाम भी और पिताजी का ही फोन आ गया, मैं जरा उनसे बात कर लेता हूँ। मैं भी बाबा को फोन लेता। ठीक है। Yes, Dad? जय, मेरे बेटे, मेरे लाल। कहाँ था तू, एक फोन भी नहीं करता। पिछला फोन तूने कब किया था तुझे याद है? कल रात को तो किया था। जय, कल रात को? 9 घंटे हो गए उसे। ओके, आई एम सॉरी डैड। बताइए आपका पैर कैसा है? अरे मेरे पैर की बात छोड़, अपने पैरों की बात बता। मेरे पैरों को क्या हुआ? मेरे पैर जो पिछले 3 महीने से लड़खड़ा रहे हैं। मेरे पैर तो आज भी लड़खड़ा रहे थे, वो तो जया ने आगे कदम बढ़ा दिया। कैसे? उसने अपने दिल की बात मुझे बता दी डैड। उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। कैन यू बिलीव इट, जया भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उसे करता हूँ। ये उसको देखे हो? हाँ। काका जया दीदी का फोन है। अरे वाह। हेलो बाबा, नमस्ते। कशेश पुरी। बाबा आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम्हारे आवाज में आज एक अलग ही चहक है। हाँ, वो बात ही कुछ ऐसी है। लगता है मेरी बेटी क्लास में फिर से एक बार फर्स्ट आई है। हाँ वो तो मैं आई हूँ, लेकिन आपसे और भी एक जरूरी बात करनी थी। यू मेड माई डे बेटा, यू मेड माई डे। वालिया आज की सारी मीटिंग कैंसिल। म्यूजिक बजाओ, जोर जोर से बजाओ, मैं एक टांग पे नाचूंगा आज। मेरा बेटा जिस लड़की को चाहता था उस लड़की ने मेरे बेटे को पसंद कर लिया। वाह। क्या तुमने लड़का पसंद कर लिया मुझे पूछे बिना? जिस लड़के को तुम मुझे मिलवाना चाहती हो वो अमीर खानदान से तो नहीं है ना? आज के जमाने में भी उसको अपनी फटी शर्ट पे पैबंद लगाने में शर्म नहीं आती। डैड, वो भी चौक जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं मल्टी मिलियनेयर द परमवीर चोपड़ा का बेटा हूँ।
क्या तुमने लड़का पसंद कर लिया मुझे पूछे बिना? बाबा बाबा सबसे पहले मैं आप ही को बता रही हूँ और मैंने लड़का सिर्फ पसंद किया है शादी के लिए हाँ नहीं की है क्योंकि वो हक सिर्फ आपका है। डैड शादी के लिए मंजूरी तो उसके बाबा देने वाले हैं ना। अरे शादी की मंजूरी उसके पापा के पापा भी दे देंगे। परमवीर चोपड़ा के बेटे को कोई ना बोल सकता है। आई लव यू डैड। डैड जया को सरप्राइज देने का वक्त आ गया है। ठीक वैसा ही सरप्राइज जैसा आपने मॉम को दिया था। मैं हमेशा से चाहता था आप जैसे मॉम को घर में लेकर आए मैं भी जया को ठीक वैसे ही लेकर आऊं। आपने मॉम को अपनी असलियत के बारे में नहीं बताया मैंने भी नहीं बताया। आप एक नॉर्मल गरीब लड़के बनकर मॉम का दिल जीता और मॉम ने आपसे प्यार किया आपके पैसों से नहीं। मैंने भी वही किया। जय आज मुझसे प्यार करती है मेरे पैसों से नहीं। डैड वो भी मॉम की तरह घर में आएगी देखेगी और चौंक जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं ये पैबंद वाला लड़का नहीं हूं मैं वो गरीब लड़का नहीं हूं बल्कि मैं मल्टी मिलियनेयर परमवीर चोपड़ा का बेटा हूं। यस यस वो सब तो ठीक है लेकिन जिस लड़के को तुम मुझे मिलवाना चाहती हो क्या नाम बताया विजय वो आमिर खानदान से तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हो आप बाबा आप ही की बेटी हो दो जोड़ी कपड़े और दो वक्त की रोटी याद है मुझे आपके दिए हुए सारे संस्कार याद है तो फिर किसी अमीर को कैसे चुनती आप ही की तरह एक सेल्फ मेड मैन है वो। आपको पता है आज के जमाने में भी उसको अपनी फटी शर्ट पे पैबंद लगाने में शर्म नहीं आती। मुझे पूरा यकीन है बाबा कि आपको वो जरूर पसंद आएगा। पसंद क्यों नहीं आएगा बेटा तुम दोनों के वेलकम की ऐसी तैयारियां करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। बस तू जया को लेकर मुंबई आ जा। आ जाओ हमें इंतजार रहेगा उस लड़के का और उस लड़के के परिवार को मिलने का। आ जाओ। सचिन रे सचिन रे। लड़के वाले आए हैं रिश्ता लेकर। मेरे लिए नहीं मेरी बहन सुषमा दीदी को। अरे भाई आपकी लड़की हमारे घर में राज करेगी राज। घर में नहीं घरों में एक नहीं दो दो घर हैं। ये गाली खाएंगे। भाई हमारे घर में सभी लोगों की अलग अलग गाड़ी है। ये दो आपके बीच में नाक तक घूसा खाएंगे। हाँ काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पूरे दिन घर पे आराम से रोकड़े गिने की रोकड़े। ये ललित राव लोखंडे अपने बेटियों की शादी किसी से भी करेगा लेकिन किसी अमीर से हरगिज नहीं। देखिए सब टीवी के कार्यक्रम अब सोनी लिव पर भी।
Hi girls. Hi. So are you ready for the party tonight? Yes. You all are. अरे जय, तू आज आ रहा है ना? देख, हमने फुल अरेंजमेंट कर लिया है. डीजे है, डांस है, फन है, फुल नाइट पार्टी है. Yes! So are you coming tonight? बेकार में कितने पैसे वेस्ट करोगे? इतने पैसों में तो किसी जरूरतमंद स्टूडेंट की फीस भर सकते हो. So boring यार. चलो व्हील पार्टी. जया भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उसे करता हूँ. क्या तुमने लड़का पसंद कर लिया मुझे पूछे बिना? जिस लड़के को तुम मुझे मिलवाना चाहती हो वो अमीर खानदान से तो नहीं है ना? आज के जमाने में भी उसको अपनी फटी शर्ट पे पैबंद लगाने में शर्म नहीं आती. सर, वो भी चौक जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं मल्टी मिलियनेयर द परमवीर चोपड़ा का बेटा हूँ. लड़के वाले आए हैं रिश्ता लेकर. मेरे लिए नहीं, मेरी बहन सुषमा दीदी. अरे भाई, आपकी लड़की हमारे घर में राज करेगी. राज घर में नहीं, घरों में. एक नहीं, दो दो घर हैं. ये गाली खाएंगे. भाई, हमारे घर में सभी लोगों की अलग अलग गाड़ी है. ये दो आँख के बीच में नाक पर दूसरा खाएंगे. हाँ, काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. पूरे दिन घर पे आराम से रोकड़े गिनेगी रोकड़े. ये ललित राव लोखंडे अपने बेटियों की शादी किसी से भी करेगा लेकिन किसी अमीर से हरगिज नहीं. देखिए सब टीवी के कार्यक्रम अब सोनी लिव पर भी.